हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा क्रॉकरी यूनिट और डाइनिंग एरिया शेयर करने वाली हूँ। मैंने रिसेंटली ही नए घर में शिफ्ट किया है एंड यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ होम डेकोर, ऑर्गेनाइजेशन, रूम टूर वीडियोस ऑन दिस चैनल। तो इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। और जो वीडियोस मैंने इससे पहले पोस्ट किए हैं ना, उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मेन डोर और जैसे ही हम यहाँ से एंटर होते हैं ना, एंड इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आता है मेरा ये क्रॉकरी यूनिट। सिंस दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई डाइनिंग एरिया टूर, हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विद दिस डाइनिंग टेबल। तो ये जो डाइनिंग टेबल है ना, अगर आपने मेरे प्रीवियस होम का लिविंग रूम टूर देखा होगा तो उसमें भी यही टेबल था। इन केस इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, डू चेक इट आउट। तो अगर इस डाइनिंग टेबल की हम बात करें ना, तो दिस इज अ फोर सीटर डाइनिंग टेबल एंड अलोंग विद द चेयर्स, बट देन ये जो चेयर्स है ना, वो इस टेबल के साथ नहीं थी। इसके साथ कोई और चेयर्स थी जो हमें पसंद नहीं आ रही थी, बट देन आई रियली लव दिस टेबल। तो हमने ना सेल्समैन से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हमें ये टेबल बहुत पसंद आया है, वी आर रेडी टू बाय इट, बट वी आर नॉट हैप्पी विद द चेयर्स एंड इट इज़ नॉट मैचिंग विद माय डेकोर। तो दे वर काइंड इनफ टू एक्सचेंज इट विद सम अदर टेबल। तो उन्होंने हमें बोला कि आपको जो दूसरी चेयर पसंद आती है वो ले सकते हो अलॉन्ग विद दिस टेबल। अगर हम इसके टॉप की बात करें ना, तो ये कम्प्लीटली मार्बल जैसे दिखता है, बट देन दिस इज नॉट मार्बल, कुछ स्टोन मटीरियल का है, बट इट लुक्स रियली वेरी क्लासी। तो आई ऑलवेज प्रिफर डाइनिंग टेबल विच इज मेड ऑफ ग्लास या फिर ऐसे स्टोन मटीरियल में, बिकॉज क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और ग्लास का डाइनिंग टेबल लेने से अच्छा ना, आई प्रिफर दिस बिकॉज दिस लुक्स मच मोर क्लासी और ये मेरे डेकोर से ना परफेक्ट मैच कर रहा था। आई यूजली अवॉइड वुडन वाले डाइनिंग टेबल्स बिकॉज उसे क्लीनिंग करना बिल्कुल आसान नहीं होता है, एंड अगेन उसके ऊपर क्लॉथ रखो, विच आई रियली डोंट लाइक इट। सो आई प्रेफर ग्लास या फिर मार्बल का। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर ना मेरा सिर्फ ये एक वाज रहता है। आई अवॉइड कीपिंग एनीथिंग एल्स ऑन द टेबल बिकॉज यू नो एवरी टाइम उसे मूव करना, क्लीन करना थोड़ा हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर ये सिर्फ वाज होता है ना, तो इट्स वेरी इजी जस्ट टू मूव इट एंड देन हम लोग यहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। कभी कभी तो मैं यहाँ पे राइटिंग, वर्क या फिर यू नो लैपटॉप लेके भी हम लोग बैठते हैं, तो इट बिकम्स रियली वेरी इजी। डाइनिंग टेबल के ऊपर ना हमने ये लैम्प लगाए हैं। तो ये वाले लैम्प्स मैंने लिए थे क्रॉफर्ड मार्केट से, जो मुंबई का बिगेस्ट होलसेल मार्केट है, एंड दीज आर रियली वेरी ब्यूटीफुल और हम लोग ये ऑलमोस्ट एवरी डे लगाते हैं। तो जो डाइनिंग टेबल की सामने वाली वॉल है ना, तो यहाँ पे मैंने क्लॉक लगाया है और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लॉक क्या है पता है, कि आप ये लिविंग रूम में कहीं पे भी बैठो वहां से भी दिखता है एंड मेरे किचन से भी दिखता है। सो बहुत मल्टी यूज हो जाता है एंड स्पेशली कुकिंग के टाइम इट्स वेरी यूजफुल। फिर ये एक DIY आर्ट है जो मैंने बनाया है। एंड फिर यहाँ पे एक फ्रेम लगाई है। सो दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द वॉल। सो नाउ लेट्स चेक आउट माई क्रॉकरी यूनिट। तो ये जो क्रॉकरी यूनिट है ना, ये 3 पार्ट्स में है। तो सबसे नीचे वाला पार्ट हम लोग सबसे पहले चेकआउट करते हैं और यहाँ पे कम्प्लीटली स्टोरेज है। तो यहाँ पे मैंने 2 कबर्स बनवाए हैं, 2 एंड में और बीच में है 4 ड्रॉवर्स। तो चलो देखते हैं मैंने इसे अंदर से कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या स्टोर किया है। तो ये जो कैबिनेट है ना, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो ऊपर का सेक्शन है, यहाँ पे मेरा डिनर सेट है। तो ये सेट ऑफ 12 है, लेकिन यहाँ पे आपको 6 ही दिखेगा बिकॉज इसका जो हाफ पार्ट है वो हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं एंड कभी कभी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ से लेते हैं। सो दीज आर द प्लेट्स एंड बाउल, सर्विंग बाउल। फिर ये एक राइस प्लेट है, बड़ी वाली राइस प्लेट है। तो ये बहुत ही मैं कम निकालती हूँ, आई थिंक आई हैव हार्डली यूज्ड इट फॉर, आई थिंक 2 to 3 टाइम्स ही यूज किया होगा अभी तक। फिर यहाँ पे अगेन मैंने ये ऑर्गेनाइजर लगाया है जो आपने मेरे कबर्स में देखा होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज ना कि ये ड्रॉवर मेरे डाइनिंग टेबल के पीछे ही है, तो निकालने के लिए बहुत आसान हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड शेल्फ।
तो यहाँ पे अगेन प्लेट्स रखे हैं एंड बोल्स रखे हैं, तो ये भी अगेन मैं बहुत कम यूटिलाइज करती हूँ, बट देन कभी कभी यू नो वो वाला सेट यूज करके बोर हो जाते हैं, देन आई यूज दिस सेट। एंड देन यहाँ पे ना मैंने 3 टायर का एक ऑर्गेनाइजर लगाया है, तो आगे रखे है टी कप्स, फिर ये है बोल्स, सर्विंग बोल्स है छोटे वाले, एंड दीज आर द आइसक्रीम कप्स। सो आप देख सकते हो ना ये कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज ना इसे निकालना भी बहुत आसान हो गया है। सी इट इज सो इजी टू रिमूव बिकॉज सिंस हमने ये ऑर्गेनाइजर यहाँ पे लगाया है, तो बहुत ही प्यारा लगता है एंड वेरी इजी टू यूज। और ये जो लास्ट वाला शेल्फ है ना, यहाँ पे ये ब्लू कलर का डब्बा है जो अगेन ओनली जब भी गेस्ट वगैरह आते हैं या दिवाली के टाइम में यूज करती हूँ। फिर सर्विंग बोल्स है, फिर यहाँ पे है मेरा टोस्टर, और यहाँ पे है एक स्टोरेज जार, बहुत ही प्रिटी है, आई रियली लव दिस। एंड और ये दोनों साइड से खड़ा होता है, सी यू कैन कीप इट लाइक दिस, और ये आप ये ऐसे भी रख सकते हो, तो ये दिखने में बहुत क्यूट लगता है। मेरे पास ना ऐसे 2 का सेट है, पता अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने एक और दूसरे वाले कबर्ड में रखा है। तो चलो देखते हैं कि इस वाले कैबिनेट को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो इस वाले कैबिनेट में भी ना 3 शेल्फ्स है, तो जो सबसे ऊपर वाला शेल्फ है यहाँ पे ये सेट ऑफ 3 बोल्स है, फिर ये वाला जार है यहाँ पे जो आपने मेरे प्रीवियस कैबिनेट में भी देखा होगा, तो वो वाला मुझे यहाँ पे रखना था पर देन यहाँ पे स्पेस नहीं था तो इसीलिए वो वहां पे शिफ्ट हो गया है। एंड यहाँ पे ये बड़ा वाला सा जार, ये मैंने आइकिया से लिया था। एंड ये वाले है ना कुछ मेरे ओल्ड डब्बे है जो एट प्रेजेंट मैं नहीं यूज करती, तो जो मेरे रोज के डब्बे वो फुल रहते हैं और एक्सेस चाहिए होता है तो ही ये निकालती हूँ मैं बाहर। तो ये है मेरा ओल्ड एल्यूमिनियम का कुकर, तो अभी तो मैंने स्टील में शिफ्ट कर लिया है तो आई डोंट यूज इट, लेकिन मैंने इसे रख दिया है तो कभी कभी एक्स्ट्रा गैस वगैरह रहते हैं तो ही ये निकलता है। एंड देन ये है बीबी डेली का बैग, तो लॉकडाउन में हम लोग काफी बीबी डेली से मंगाते थे बट राइट नाउ वी हैव स्टॉप्ड इट बिकॉज यू नो हमारे घर के नीचे ही सब सामान मिलता है। एंड फिर यहाँ पे है ये मेरा ओल्ड वाला मिक्सर है, आई हैव शिफ्टेड टू न्यू मिक्सर, लेकिन वो वाला जो मिक्सर है ना उसमें फूड प्रोसेसर नहीं है, सो दिस मिक्सर यू नो एक्ट्स एज अ बैकअप ऑल्सो कि अगर उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आई कैन यूज दिस एज अ बैकअप, एंड ऑल्सो इसका फूड प्रोसेसर मैं यूज करती हूँ अगेन विच इज वेरी रेयर। यहाँ पे है मिक्सर के जार्स, और पीछे की साइड जो बास्केट है ना उसमें अगेन सम रैंडम स्टफ रखा है। So this is how it is looking. तो चलो अभी देखते हैं कि ये जो 4 ड्रॉवर्स है इसमें मैंने क्या क्या रखा है और इसे मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहला वाला ड्रॉवर है ये, तो इसमें है कोस्टर्स, फिर ये है सॉल्ट पेपर एंड सौफ, तो सौफ मैं अंदर ही रखती हूँ बिकॉज यू नो आई एम टू मच एडिक्टेड टू इट, तो बाहर अगर दिखता है ना तो आई कीप ईटिंग इट और फटाफट खत्म हो जाता है, सो आई कीप इट इनसाइड। एंड ये है अचार का डब्बा, मेरा जो डाइनिंग टेबल है ना वो स्टोन का बना है तो आई मेक श्योर का ये मैं ये यूज करूँ क्योंकि बिकॉज वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई डोंट वांट एनी स्क्रैचेस ऑन इट, सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट टू गरम वाला पॉट रखने के पहले। सो लेट्स चेक आउट द सेकेंड ड्रॉवर, तो सेकेंड वाले ड्रॉवर में ना सिर्फ बैग्स है, सो दिस साइड मैंने सब बड़े वाले बैग्स रखे हैं एंड दिस साइड मैंने मीडियम साइज के बैग्स रखे हैं। एंड दिस ड्रॉवर आई डोंट अलाउ माय हस्बैंड टू टच इट बिकॉज क्या होता है ना वो एक बैग निकालते हैं तो पूरा ड्रॉवर मेस्ड अप कर देते हैं एंड देन वो पूरा वापस लगाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, सो आई डोंट अलाउ हिम टू यूज दिस ड्रॉवर। सो दिस इज द थर्ड ड्रॉवर, तो ये वाला ड्रॉवर मैंने बेकिंग के लिए रखा है, तो इसमें आते हैं मेरे बेकिंग ट्रेस, तो ये ग्लास का है और 2 एल्यूमिनियम के है, दीज आर द कपकेक मेकर एंड ये मेरा बीटर है, तो और जो 4th वाला ड्रॉवर है तो इसमें है ना स्मॉल बैग्स है, फिर उसके नीचे मैंने पेपर बैग्स रखे हैं, और ये वाले बैग में ना मैंने ट्रांसपेरेंट बैग्स रखे हैं, तो कभी कभी क्या होता है मैं काफी सारी चीजें ना प्लास्टिक में रैप करके ही रखती हूँ कबर्ड्स में ताकि उस पर धूल नहीं बैठती है, सो इसके लिए मैंने स्पेशली ये बैग बना के रखा है।
सो लेट्स चेक आउट द मिडिल सेक्शन नाउ। तो वैसे ये पूरा कैबिनेट ना मैंने वुडन का बनवाया है, बट देन यहाँ पे बीच में मैंने यहाँ पे ग्लास लगवाई है। तो दिस इज अ सिंगल पीस ग्लास, दिखने के लिए आपको स्क्वायर्स दिखेंगे, बट देन ये एक सिंगल पीस ग्लास है एंड आपको ये कहीं पे भी यू नो ग्लास के शॉप में बहुत इजीली मिल जाता है। एंड दिस लुक्स रियली वेरी क्लासी और ये लेटेस्ट ट्रेंड अभी चल रहा है मार्केट में, एंड इससे ना आपकी जो रूम है वो थोड़ी सी बड़ी भी लगती है। तो अगर हम इस टॉप की बात करें ना, तो दिस इज कॉट्स मटेरियल और ये आपको किसी भी ग्रेनाइट स्टोर में बहुत इजीली मिल जाता है। दिस इज सुपर वाइट एंड शाइनी मटेरियल का है, तो आप देख सकते हो इसका रिफ्लेक्शन भी कितना अच्छे से आता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इसे पानी से अच्छे से क्लीन कर सकते हो, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने एक डेकोरेटिव पीस रखा है जो मैंने होम सेटर से लिया है, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ बॉटल, ये इसका कैप है। तो आप इसे निकाल के ना, आई यूज इट एज अ फ्लावर वास टू समटाइम्स, तो बहुत क्यूट दिखता है। इसमें आप फ्लावर्स डालोगे तो बहुत सुंदर दिखता है। फिर यहाँ पे एक वॉच है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। एंड दिस इज अ सर्क्यूलर जो मैंने आइकिया से बाय किया था, बहुत ही क्यूट है ये और प्लास्टिक का है। एंड ये हमारा इंटरकॉम है, सो दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ दिस साइड। फिर अगर हम जो आगे जाते हैं तो यहाँ पे है जैगुआर, एंड में देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे लगाया है। फिर उसके ऊपर ये बास्केट रखा है जिसमें ये फ्रूट्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है ये, आई रियली लव दिस डिजाइन ऑल्सो। मैं आपको फ्रूट्स निकाल के दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल है ये। कैन यू सी इट, हाउ प्रिटी इट इज, इसका शेप और डिजाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो नाउ लेट्स चेक आउट द टॉप पार्ट ऑफ दिस यूनिट। तो ये है मेरा टॉप पोर्शन ऑफ दिस यूनिट, एंड यहाँ पे ना मैंने 4 ओपन शेल्व्स बनवाए हैं एंड 4 स्टोरेज के लिए कबर्स बनवाए हैं, तो डेकोर के साथ अपना स्टोरेज भी हो जाता है। एंड सिंस ये मेरा जो डाइनिंग एरिया है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लिविंग रूम, तो इसीलिए मुझे क्रॉकरी डिस्प्ले पे नहीं रखना था, दिस इज माई पर्सनल चॉइस। सो लेट्स ओपन एंड सी कि मैंने अंदर कैसे ऑर्गेनाइज किया है। सो दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ पे ना मैंने एक मैट लगाई है, ये एंटी स्लिप मैट है, तो आपका जो बेस है वो खराब नहीं होगा एंड दिखने में भी काफी क्यूट लग रहा है। ये पिंक कलर का है, लाइट पिंक कलर का है, एंड इसके ऊपर व्हाइट कलर के पोल्का डॉट्स है। फिर यहाँ पे मैंने ये येल्लो कलर का ना एक डिवाइडर लगाया है, सो दिस एक्ट्स लाइक अ शेल्फ, तो आप ऊपर भी सामान स्टोर कर सकते हैं और नीचे भी सामान स्टोर कर सकते हैं, एंड आपको ये सामान निकालने के लिए बहुत इजी हो जाता है। सो आपकी जो स्पेस होती है ना कबर्ड की, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो मेरी किचन में ना और एक कैबिनेट है जहां पे मेरे डेली यूज होने वाले मग्स रोल रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, वो कप्स यूज करके बोर हो जाते हैं, तो मैं यहाँ के निकाल के उस कैबिनेट में डाल देती हूँ और वहां के यहाँ पे ला के रख देती हूँ।
सो हमें थोड़ा चेंज मिलता है एंड यू डोंट गेट बोर्ड यूजिंग द सेम मग्स अगेन एंड अगेन. तो कुछ महीनों के बाद आप जब वही कप यूज करते हो ना कॉफी या चाय पीने के लिए, तभी आपको ना नया कप यूज करने वाली फीलिंग आती है. तो इस कबर्ड के ऊपर ना मैंने ये एलिफेंट रखा है, ये आपने मेरे प्रीवियस लिविंग रूम के टूर में भी देखा होगा. एंड लेट्स सी कि ये वाले कबर्ड में मैंने क्या रखा है. तो सिंस ये ड्रॉवर थोड़ा ऊपर है तो निकालने के लिए सामान थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ऐसा सामान रखा है जो बहुत रेयरली यूज होता है. सो ये एक चाय की किटली जैसी है, ये दिखने में बहुत प्यारी लगती है एंड आई यूज इट एज अ डेकोर पीस ओनली. और यहाँ पे एक टिन का डब्बा है तो ये भी मैं डेकोर के लिए यूज करती हूँ. फिर यहाँ पे एक बास्केट है जिसमें मेरे रैंडम स्टफ है एंड ऊपर जो है वो ये मेरे डिशवॉशर का है, उसमें ना स्पून वगैरह रख के रखते हैं डिशवॉशर में, बट आई डोंट प्रेफर टू यूज इट, तो आई डोंट यूज इट, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे रखा है. तो इस कबर्ड के नीचे मैंने रखा है ये फ्लेमिंगो, ये मैंने अमेजोन से लिया था और इसमें ना लाइट्स भी लगते हैं, तो एट प्रेजेंट इसके अंदर बैटरी नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू शो यू. सो लेट्स सी व्हाट्स इन माय थर्ड कैबिनेट. सो थर्ड कैबिनेट का लुक कुछ ऐसा है. तो यहाँ पे भी मैंने एक मैट प्लेस की है एंड देन यहाँ पे भी एक डिवाइडर है, बट देन ये वाला जो है ना ये साइज में थोड़ा सा छोटा है कम्पेयर टू द फर्स्ट वन जो हमने फर्स्ट कैबिनेट में देखा ना, उससे ये शॉर्ट, उससे ये शॉर्ट नहीं है सॉरी, ये उससे थोड़ा सा छोटा है. तो यहाँ पे साइड में मुझे इसकी वजह से स्पेस मिल गई है एंड आई हैव केप्ट माय वाइन ग्लासेस ओवर हियर. तो यहाँ पे है ये ग्लासेस, बाउल्स और ये मेरी लेटेस्ट एडिशन है. तो आई रियली लव दिस कलर एंड इट गोज विथ माई रूम का थीम विच इज एक्वा एंड येल्लो, तो इसीलिए मैंने ये लिए है. बहुत प्यारे लग रहे हैं ना. आई थिंक ये हम लोग ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, यू नो जो छोटा छोटा हम लोग का डेली वेयर का ज्वेलरी रहता है वो सब रखने के लिए, बट मेरे इसमें ऑलरेडी एक है तो आई डिडंट यूज दिस, बट देन बहुत क्यूट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, पाइनएप्पल के शेप का है. तो इसके ऊपर है ये राधा कृष्ण की मूर्ति. एंड लेट्स चेक आउट दिस ड्रॉवर नाउ. तो इस वाले ड्रॉवर में है ना ये एक्स्ट्रा बाउल्स है जो मैं सिर्फ यू नो कभी बहुत ज्यादा गेस्ट आते हैं तभी यूज होते हैं, मेरे पास ऑलरेडी डेली यूज के लिए मैंने रखे हैं बाहर. एंड यहाँ पे ये डेकोरेटिव पीस है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये, तो ये मैंने यहाँ पे रखा है बिकॉज अगेन ये ड्रॉवर भी ऊपर के साइड है तो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसीलिए मैंने ना ऐसे आइटम्स रखे हैं जो मुझे एवरीडे नहीं लगते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा रेयरली लगते हैं. तो यहाँ पे ना एक मेटल का केज मैंने रखा है एंड उसके ऊपर एक बर्ड लगाया है, तो ये मैंने सेपरेटली लगाया है. दिस इज बेसिकली अ हुक, लेकिन ना मैंने इसको केज के ऊपर लगवा दिया है. ये भी मेटल का ही बर्ड है, इजंट इट वेरी प्रिटी. तो क्रॉकरी यूनिट के साइड पे ना मैंने ये बांबू का प्लांट लगाया है, तो दिस प्लांट इज फ्रॉम होम सेंटर और ये नीचे जो पॉट है ना ये मैंने लोकल स्टोर से खरीदा है.